जब हमने शूटिंग शुरू की थी तो ये पॉजिटिव एनर्जी नई नहीं है और होपफुली नई नहीं रहेगी. इट विल कंटिन्यू ऑन थ्रू आउट एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स ऑफ द ट्रेलर. ऑफकोर्स बहुत बहुत खुशी हो रही है कि हमने जो काम किया है वो आप सबको पसंद आ रहा है. एंड होपफुली इसका मतलब है कि ट्रांसलेट होके आप ज़रूर पूरा शो भी देखेंगे. सिर्फ ट्रेलर से खुश मत होना, जाके शो भी देख लीजिए. खामोश किस्म का इंसान हूँ. मेरे को एक्स्ट्रा पैसे दिए गए कूदने के लिए तो मैं एनर्जी दे रहा हूँ. हाँ जी बताइए जरा कि कैसा एक्सपीरियंस अभी स्टार कास्ट के साथ है ना. आप कैप्टन ऑप्शिप है आप तो जी. एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा. मतलब खुशकिस्मत हूँ मुझे कि इतनी अच्छी कास्ट मिली. पहले तो हमारा स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, मटेरियल बहुत अच्छा था और उस चक्कर में आई थिंक इतनी अच्छी कास्ट हमें मिल पाई जिन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है. जो कि मतलब डोमे के ट्रेलर में कूद कूद के उनकी एनर्जी और इमोशंस बाहर निकल रहे हैं. कूद मैं रहा हूँ, इनके इमोशंस निकल रहे हैं. बट मैं कुछ नए आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज हम लोग चार दिन से लगातार जवाब दिए जा रहे हैं. जरूर अगर आप सर पे खड़े होकर सवाल पूछेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा. डिफरेंट क्वेश्चन अभी गेम में आ गया. ये गेम अब शुरू होता है, पूछिए. हां सो ट्रायल में तकरीबन काजोल जी से कितने थप्पड़ लगे आपको? मुझे एक थप्पड़ लगा, एक 100 के बराबर था. इनको एक लगे 6 बार तो 6/1 बस. एक बार वो 100 के बराबर था. मेरा थप्पड़ 48 एफपीएस पे शूट किया गया है. मेरे पास रिकॉर्डिंग है. इसके बाद बीएस मुझे दे दिया, मैंने डिलीट करवा दिया. गजब का थप्पड़ है. हाय हाय मतलब अजय देवगन मेरे फेवरेट एक्शन हीरो है बट इनके थप्पड़ ने मात दे दी. मैडम आप बताइए सारे स्टार कास्ट के साथ में कैसा रहा एक्सपीरियंस एंड क्या कुछ कहना चाहेंगे द ट्रायल? बहुत बकवास था, बिल्कुल यूजलेस. दो लड़ाइयां होती थी. अच्छा नहीं इसलिए इनके बाल और लंबे हो गए टेंशन में और मेरे गिर गए, समझ रहे हैं. बहुत मजेदार था यार सच में. आप ट्रायल शो का नाम सच बोलिए, बोलते रहिए आप सच. क्योंकि हम लोग एक तो कम है विच इज वेरी गुड. बहुत फैलावा नहीं है और बहुत सुंदर सा एक सेट था तो वहाँ पे हम लोग एयर कंडीशनिंग बोल दो. बहुत अच्छा था. बारिश में सूखा सेट, वाह वाह बहुत सही. और अच्छे अच्छे खाने हमने ऑर्डर किए और बहुत सारी गप्पे मारी और हंसी ठट्टा चल रहा है. थोड़ी बहुत एक्टिंग भी कर रहे हैं. फास्ट शूटिंग कराते हैं बहुत. मतलब आई थिंक आवर डेज यूज्ड टू लाइक या He's very fast. I think complaint आई है. मेरा प्रोड्यूसर को कंप्लेन कर सकते नहीं हो तो खुशी के मारे उल्टे पुल्टे हो गए. एक्ट्रेस भी खुश है मेरे बदौलत उन्होंने 4 शोज और ले लिए. 6 या 7 दिन कम हुआ उनके देश बच गए ना. तो बस हो गया. ब्रदर आप कुछ कहना चाहेंगे इतने ब्रदर ब्रदर बस ये बोलोगे बहुत ज्यादा मजा आया. अभी भी मजा कर ही रहे हैं आप लोग को देख ही रहे हो. बाकी शो देखोगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा. रोएंगे भी आप और क्या. इमोशनल शो है बहुत. बहुत बहुत डिप्रेसिंग. ऑन अ सीरियस नोट ये बहुत सीरियस शो है और ये बहुत इमोशनल शो है तो हम पे मत जाइए प्लीज. हम लोग यहाँ पे जो कर रहे हो हम आपको रुला के खुश है जैसे कि आपको देख रहा है. सो प्लीज 14th ऑफ जुलाई द ट्रायल डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे द ट्रायल प्यार कानून धोखा रिलीज हो रहा है तो प्लीज जाके देखिएगा. एंड काजोल जी जब अजय जी प्रोड्यूसर हैं एंड आप इस फिल्म के एक्टर हैं तो कितना मतलब पैसे ऐसे आप बताइए कितना बाएं पैसे पैसे बाहें मतलब हर शॉट में हेलीकॉप्टर आ रहा था मेरे पास. मना कर दे अजय जी बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर हैं और मैंने हमेशा उनके साथ काम किया एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी वर्किंग विद हिम. प्लीज टेक मी इन योर नेक्स्ट फिल्म आल्सो. और मुझे 5 गाड़ी और चाहिए उड़ाने के लिए. सो इस
आप हमें देखने को, ट्रेलर में हमने देखा, लेकिन अगर आप ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगे कि इस बार किस जॉनर में हमें देखने को मिलेंगे काजोल जी, क्या नया रूप होगा, अंदाज होगा काजोल जी का? सॉफ्टर, मोर वल्नरेबल. तो नयानिका का, नयानिका सेन गुप्ता इस कैरेक्टर का नाम है, और वो बहुत ही प्रैक्टिकल औरत है, और जो मुझे लगता है कि हर कोई समझ सकता है जो जो रिलेशनशिप में है, जो माँ बाप बन चुके हैं. जब आपके पीछे ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूरत पे आप कुछ भी कर सकते हो, और शायद लोगों को वो गलत लगे या सोसाइटी को गलत लगे, लेकिन अगर आपको ज़रूरत से वो करना पड़ता है तो थोड़ी सी ह्यूमिलिएशन भी ले लोगे, थोड़ी सी जजमेंट भी ले लोगे, लेकिन अगर करना है तो करना ही है. और नयानिका का किरदार मुझे आई थिंक आप सबको भी बहुत पसंद आएगा. बहुत ही आई वुड से लाइकेबल कैरेक्टर है, बट आई वुड से रिलेटेबल ज़रूर है. इनको एक एक्स्ट्रा सवाल मिलेगा, इन्होंने तानाजी द अनसंग वॉरियर का टी शर्ट पहना है. आपकी मुझे बहुत मुझे बहुत सही है, मुझे सर आपसे जानना चाहूंगा, लास्ट सवाल है, टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम है कि आपकी फैन फॉलोइंग पूरे इंडिया में बहुत है, तो आप बताइए जरा कि आप, तो ये मुझे पता ही नहीं था, इंडिया की सब लड़कियों से शादी करना चाहती है इंक्लूडिंग ऑल द एक्ट्रेसेस, चुप रहो, जवाब दो. बोलिए. ऐसा उन्होंने पूछा, ये मेरा सवाल था कि किस अंदाज में आप दिखाई देने वाले हैं काजोल जी के साथ में, ट्रेलर आपने देखा है? जी बिल्कुल. ट्रेलर के बिगिनिंग में मुझे थप्पड़ मिल गया, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं किस तरह का आदमी हूँ, और उसमें मैंने इस ट्रायल में इनकी सारी जर्नी सुधरने की है. हाँ, और इनकी बिगाड़ने की है, मुझे प्यार लाड़ प्यार खाना बिगाड़ने की है. हाँ, मतलब हम बिगाड़ेंगे तुम सुधरोगे ना यार, उल्टा हो गया, इसने मुझे बिगाड़ा है तो मैडम मुझे थप्पड़ मार मार के सुधारेंगी. बहुत वायलेंट स्टोरी है, डोमेस्टिक वायलेंस. नो नो नो, अगेन अगेन, दिस इज अ वेरी इमोशनल, सॉरी सॉरी, नेवर माइंड, वो कानून है, कानून. इट्स अ वेरी इमोशनल रिलेशनशिप बेस्ड ड्रामा, तो प्लीज 14th ऑफ जुलाई डिज्नी प्लस हॉटस्टार में द ट्रायल प्यार कानून धोखा रिलीज हो रहा है, प्लीज आके देखिए. थैंक यू. एंड शॉट हर प्रोमो का तुम्हारे ही होने वाला है भाई. डन, डन, थैंक यू. अभी आपकी कुर्सी हो गई तीसरी. हां, अब क्या है? दैट्स इट, दैट्स इट, आपकी छुट्टी. वाह वाह, आपके पिक्चर्स हो गए, आपके पैप्स, यू लुकिंग गॉर्जियस, जय बिन जाने महा जाने का मदीना कलर, गॉर्जियस, यस. Bye.